हाय फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। तो चलिए देख लेते हैं अपनी ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गैस पे रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे 350 ml दूध। अब हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। देखिए दूध हमारा हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम चीनी। इसे भी हम इसमें घुलने देंगे। तो देखिए अब हमारी चीनी भी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा, ये भी 250 ग्राम है। इसे हम इसमें मिला लेंगे अच्छी तरीके से। हम इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी बर्फी कितनी सॉफ्ट बनेगी। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे सेट करने के लिए चलते हैं। हमने एक थाली ले ली है। अब इसे हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं ताकि बर्फी हमारे निकलने में आसानी रहे। अब इसके हम तीन हिस्से कर लेते हैं ताकि हम इसे से तिरंगी बर्फी बनाएंगे। अब ये हमारा बच गया एक हिस्सा। अब इसमें हम डाल देते हैं ग्रीन कलर। तो देखिए हम अपना एक लेयर पहले इसे सेट करते हैं। हाथों से हम इसे अच्छी तरीके से फैला देते हैं। तो देखिए हमारा एक लेयर सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम अपना व्हाइट लेयर रखेंगे। इसे भी हम हाथों की मदद से फैला देते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा दूसरा लेयर भी सेट हो चुका है। अब हम अपने तीसरे पोर्शन में डाल देते हैं ऑरेंज कलर। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हम इसके ऊपर अपनी तीसरी लेयर रख देते हैं। तो देखिए हमारी तीसरी लेयर भी सेट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरीके से सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब हमारी बर्फी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये कटने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए बर्फी हमारी कट चुकी है। अब इसे हम निकाल कर रख लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारी बर्फी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये 3 कलर में बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा पिस्ता की कतरन लगा देते हैं। तो देखिए हमारी बर्फी रेडी हो चुकी है। आप देख पाएंगे ये कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी बनकर रेडी हुई है। तो इस तरीके से बर्फी आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।